वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफियत से होंगे। एक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे करनी थी। कुछ भाई हमारे जो बैठे हुए मुतासरीन में, वो समझते हैं कि या शायद वो अकले कुल हैं या उनकी अकल ज्यादा काम करती है। वो कोई बंदा भेजता है अगर 3-4 एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको तो अपनी चीज का अच्छे तरीके से लगे ना कि ये आईडी कार्ड एक्सपायर है। तो ऐसे भाई जान है, उन्होंने समझा होगा कि शायद नैब में ये जाती है एप्लीकेशन है और चेक शेक कोई नहीं होती, तो उसी तरह जाके वो ठप्पे लगवा के ले आता है। भाईजान वो मुकम्मल चेक करते हैं और मुझे वहां पे बैठना पड़ता है। खालिद फरूक साहब इस्लामाबाद आए हुए हैं, मेरे साथ नैब भी गए हुए हैं, उनसे जरा पूछिएगा कितनी देर बैठना पड़ता है, कितनी देर ये चीजें वेरीफाई होती हैं, उसके बाद जाके वो हमें इसकी रिसीविंग देते हैं। आज जो एप्लीकेशन में जमा कराना गया उसमें 3 आईडी कार्ड एक्सपायर थे ना, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। अब मेरी भी गलती है कि मैंने देखा नहीं, लेकिन कम से कम जो भेज रहा है उसको तो पता है ना। मुझे तो नहीं पता किसका आईडी कार्ड एक्सपायर है, किसका अभी डेट रहती है। वो एप्लीकेशन है, उन्होंने मेरे सामने रखे, उनका इजाज साहब आप क्या समझते हम देख नहीं रहे होते चीजों को, ये वेरीफाई नहीं कर रहे होते, तो ये इंसल्ट आप लोगों की वजह से हुई है। मैं अगर एप्लीकेशन आप लोगों की जमा करवाने जाता हूँ तो उसमें आपकी आसानी के लिए जाता हूँ, मेरा जाती फायदा, आप ना सोचा करें कि मेरा इसमें कोई फायदा है। क्या आपको घर बैठे बैठे एप्लीकेशन जमा हो जाती है और ये जो जलालत काटनी पड़ती है आप उससे बच जाते हैं? मुझे अफसोस इस चीज का है कि आप लोगों में से कोई भी ये नहीं सोचता कि यार हम इसको भी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। आप मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे होते, अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। तो इस तरह के काइंडली ये मामलात ना किया करें। वो नैब है, कोई पुलिस का थाना नहीं है जहां पे आप समझते हैं कि ऐसी हर चीज लगे वाली चल जाती है। वो नैब का इदारा और बड़ा मजबूत इदारा है और वो हर चीज को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जाके वो रिसीविंग देते हैं। और आज मुझे जो ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी है इन भाइयों की वजह से, मैं नाम नहीं ग्रुपों में लेता कि फिर बदनाम करने की क्या जरूरत है। आप लोगों को तो पता है ना आपके आईडी कार्ड एक्सपायर है, तो आप मुझे वो भेज रहे हैं। मैंने कभी भी किसी की कोई चीज झूठ नहीं छुपाया, कोई नैब से मुतल्लिक आज तक आप लोग नहीं कह सकते। हम पिछले 4 महीने 4 तकरीबन महीने 5 हो चुके हैं हम एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, कि आप लोगों के काम हो जाए आपके घरों में बैठे हुए, आपका टाइम जाया ना हो, आपका वक्त ना बर्बाद हो। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुतासरीन में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपने सवाद और अपने मजे के लिए किसी की भी इज्जत दांव पे लगा सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि भजन कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इसके ऊपर। आप हर चीज को मजाक समझते हैं, आप हर चीज को बिफोर यू की नजर से सिर्फ देखते हैं, जबकि आप ये नहीं समझते कि एक बंदा आके सरकारी इदारे में जा रहा है, वो हमारी तरफ से कागज रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे जमा करवा रहा है, तो ये कोई आम चीज नहीं हो रही, कोई आम मामला नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग ही आ जाए, जरा आ जाए नैब में जाके जमा करवाएं और इसी तरह की काम करें। फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। घर में बैठे बातें करना, ये ग्रुपों के अंदर से बातें कर देना बहुत मजा लगता है, और 1000 रुपए में आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया, तो माजद के साथ कोई बड़ा तीर नहीं मारा, आप लोगों का काम हो रहा है। पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप बीच में भेज के और मजे से आप घर में बैठे होते हैं, आगे उस बंदे के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा ये आप लोग भूल जाते हैं।